नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार सिंह और लगातार 3 बार से बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। और जब भी बात बिहार पुलिस की होती है तो जहन में एक सवाल उठता है कि बिहार पुलिस की छवि ऐसी क्यों। आइए जानेंगे मृत्युंजय कुमार सिंह से बिहार पुलिस से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब। मृत्युंजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि बिहार पुलिस की जैसी ही चर्चा होती है लोग क्यों हड़कने लगते हैं? अब देखिए, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं अपवाद में कि जो उनकी कार्य पड़ती है और जनता उनके पास जाती है, लगता है कि वो जनता से उनका बेहतर व्यवहार नहीं होगा या उनकी वाणी ऐसी होती होगी तो निश्चित तौर पर वो लोग प्रभावित हो गए होंगे और वो लोग लगता है कि जाके अपने समाज में बोलते होंगे। लेकिन तमाम ऐसे पुलिसकर्मी नहीं है, अपवाद हैं, बाकी बेहतर पुलिसकर्मी हैं। और लोगों को नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बोलते हैं कि भय क्यों है, जब सुनसान जगह पर आप कहीं जाते हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। आपका कहना एकदम सही है। जब से बिहार में शराबबंदी आई है, अभी 3 दिन पहले मीनापुर थाना के थाना प्रभारी पकड़े जाते हैं, उसके पहले मुजफ्फरपुर में एक और बड़ा स्कैंडल होता है। जब से शराबबंदी बिहार में आई है, ऐसी चर्चा है आम आदमी के बीच में कि बिहार के थानों से थानेदार जो होते हैं, बड़े पदाधिकारी होते हैं, वे खुद शराब बेचवाते हैं। कहां तक सच्चाई है इसमें? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है और थाने में अगर शराब बेचने वाले पुलिसकर्मी है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। बिहार पुलिस एसोसिएशन वैसे किसी भी पुलिस पदाधिकारी या थाने में पदस्थापित हैं जो शराब के धंधे में या किसी अन्य आपराधिक के घटनाओं में अगर संलिप्तता है, वैसे के साथ पुलिस एसोसिएशन के लोग कहीं सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं। सख्त है कि आपका कार्य करने का तरीका, जनता का विश्वास जीतिए और आपका पारदर्शी काम हो, कानून के राज के लिए आप ऐसा कार्य कीजिए कि आने वाले कोई भी व्यक्ति आपके प्रश्नचिन्ह नहीं उठावे। जनता कोई भी अगर थाने में जाती है आप प्रॉपर रिगार्ड करें, उनकी बातों को सुने और उनका जो भी समस्या है उनको सुनने के बाद जो उचित कानूनी कार्रवाई है करें। ये हमारा काम है और यही हम अपील भी करते हैं अपने लोगों से। और जो बाकी थाने में होती है कार्रवाई हो रही है, अभी देख रहे होंगे बिहार पुलिस के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे थाने में अभी वाहनों की स्थिति सुधरी है, थोड़ा सा यूनिट बटा है कि एक यूनिट होगा जो अनुसंधान करेगा, एक त्वरित कार्रवाई करेगा। अब जाकर बिहार की थानों की स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति है। मॉडल थाने बनेंगे, जो शहीद होंगे, जो अपराधियों से लोहा लेते हुए शहीद होंगे, उनके परिजनों को बहुत कुछ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम याद करते हैं संजय तिवारी की पत्नी, जिसका फाइल लेकर आप भी कई बार मुख्यमंत्री के दरबार में जा चुके हैं, आपको नहीं लगता है कि पुलिसकर्मी है खुद को असहज महसूस करते हैं, तो फिर वो कर्तव्य परायणता उनके अंदर कहां से होगी? देखिए, साधन संसाधन की बात है, वर्तमान सरकार थानों को भवन के लिए कार्य कर रही है, कई मॉडल थाने बन रहे हैं। देहातों में जाइएगा तो थाने की बिल्डिंग बन रही है, गाड़ी वगैरह अत्याधिक अधिकार सारी की आज के डेट में दिखेगा तो अब 15 साल पहले जो पुलिस था, आज के पुलिस में बहुत बदलाव हुआ है, सरकार कर रही है। और साथ ही जो कहा जाता है कि पुलिसिंग की बात आप कर रहे हैं कि पुलिसिंग आज के डेट में जो करने का तरीका है, तो जब संसाधन मिल गया है तो आपको पुलिसिंग उसके आधार पर बेहतर करने की जरूरत है। और इसके लिए जो अनुसंधान और विधि व्यवस्था की बातें जब हो रही है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी की संख्याएं होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मी की संख्या होना चाहिए। राष्ट्रीय मानक है कि 1 लाख आबादी पर 125 पुलिसकर्मी होना चाहिए, तो बिहार की आबादी आज के डेट में लगभग 11-12 करोड़ के आसपास है। 125 के हिसाब से यहाँ पुलिसकर्मी की संख्या लगभग 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और आज पुलिसकर्मियों की संख्या 1 लाख से नीचे है। तो जो पुलिसकर्मी आज उतना नहीं है, 50,000 के आसपास कम है, उनकी लायबिलिटी उस पुलिसकर्मी पर है। उसके बाद जब एक थाने में आज काम करने का तरीका 20 साल पहले का तरीका बदल गया है, आज सारे चीज विभाग से लेकर सब चीज छोटी मोटी घटनाएं हैं सारे थाने की ओर देखता है और थाने के पुलिसकर्मी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन सब संख्याएं नहीं है और अपराध नियंत्रण अनुसंधान अलग अलग करते हैं अगर है, तो उसके संख्याएं को बढ़ाना होगा और तब उसके लिए आप बढ़ा के और तब बंटवारा कीजिए तो बेहतर होगा। अगर एक आदमी के पास अगर 100 केस है अनुसंधान किस हिसाब से करेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। अनुसंधान की गुणवत्ता पर अपराधियों को न्याय का निर्णय होता है, दंड मिलता है नहीं मिलता है, तो उसकी गुणवत्ता को देना चाहिए। तो गुणवत्ता को जब देने की सवाल होती है तो संख्याएं बल होना चाहिए। जो हमें लग रहा है कि अभी भारी कमी है, सरकार वैकेंसी निकाल रही है, आने वाले कल में वर्तमान सरकार चिंतित है और क्रियाशील है, कार्य कर रही है, आने वाले में पुलिसकर्मियों की संख्या की पूर्ति हमें लगता है कि जितनी चाहिए वो जाएगी। आप तो अपना पक्ष रख रहे हैं, मेरा सवाल सीधा है कि जब कोई आपराधिक घटना होती है, कोई व्यक्ति मारा जाता है, वहां हंगामा होता है, पॉलिटिकल लोग आते हैं,
तो जो गाज गिरती है वो वहाँ के सिपाहियों पर गिरती है, जो लड़ने वाले लोग हैं उन पे गिरती है, थाना प्रभारी तक पे गिरती है। क्या कभी आपने देखा है कि कोई डीएसपी सस्पेंड हुआ, कोई एसपी सस्पेंड हुआ, कोई डीजीपी पे कोई कार्रवाई हुई, कहीं दर्द होता है कि नहीं? देखिए, काम करने वाले थाने के पुलिसकर्मी ही हैं और ऊपर के लोग वहाँ नियंत्रण निगरानी के लिए होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए होते हैं, उनका भी कर्तव्य होता है। और थाने के जो पुलिसकर्मी हैं काम करने के लिए, कहीं घटना दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि कितने घटना दुर्घटना में पुलिसकर्मी शहीद हुए, कोई नेता गया है क्या? कहीं बताइए, कई जगह नहीं जल्दी जाते हैं, बाद में कभी आप लोग मीडिया चैनल वगैरह दिखाता है कोई नहीं गया, तब लोग जाने की सिलसिला प्रारंभ होती है, जाना चाहिए, क्योंकि देश के शहीद होता है वहाँ, लोग जानते हैं कि वो देश के आंतरिक मामला है, अपराध नियंत्रण पुलिसिंग है, वहाँ भी हो तो लोगों को जाना चाहिए। और जहाँ तक कार्रवाई की सवाल होती है, कार्रवाई सभी को होना चाहिए। अगर आज के डेट में कोई बेहतर काम होता है, एक आरक्षी, एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर, एक जिले के डीएसपी, एक एसपी पुरस्कृत होते, अच्छा काम के बहादुरी के वाहवाही लूटते हैं, सभी को सम्मान मिलता है, राष्ट्रपति मिलता, पदक भी लेते हैं सब लोग, आपको भी मिला है, अच्छा काम करे जो भी करेगा सभी को मिला है। तो उसी तरह अगर गलत होता है तो उत्तरदायी केवल थाने पर नहीं होना चाहिए, ऊपर के लोग भी अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अपवाद में कुछ कार्रवाई होती है, जैसे छपरा में एसपी थे तत्कालीन आलोक कुमार जी, कार्रवाई हुई थी, बाद में समाचार पत्रों में कार्रवाई से बरी हो गए। अगर सही में मुजफ्फरपुर घटना में एक एसपी पर कार्रवाई हुई थी, वो भी मालूम हुआ कि बरी हो जाते हैं और नीचे वाले फाइल लेके भटकते रहते हैं, विभागीय कार्रवाई का समय समय पर निपटारा नहीं होता है तो दागी हो जाते हैं। कितना राजनीतिक दबाव होता है पुलिस कर्मियों के ऊपर में, जो काम करने वाले लोग होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, सरकार का, सत्तासीनों का, विपक्षी दबंग नेताओं का, आपराधिक सरगनाओं का, कितना दबाव होता है पुलिस कर्मियों पर काम करने के दौरान? ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आज के डेट में, क्योंकि मेरी सेवा 25 साल से कम ऊपर हो चुकी है। एक समय था कि राजनीतिक दल के लोगों का, सत्ता पक्ष के दल के लोगों का, दबंग लोगों का पुलिस पर दबाव था, लेकिन आज के डेट में वर्तमान सरकार के मुखिया के कारण हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं के बराबर मानते हैं, या नहीं, अपवाद कहीं हो जाए तो अलग का चीज है, पुलिस दबाव मुक्त है, अपना कार्यों का निपटारा कर रही है। क्योंकि मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, कई बार सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोग भी हमसे बात होती है, बहुत सारे मित्र हमारे हैं, लगभग सभी से संबंध है, और कई लोग बोलते हैं कि मृत्युंजय जी देखिए ना, आप तो बिहार के अध्यक्ष है, पुलिस वाले के अमुक थाना को थोड़ा देख लीजिएगा, बोल दीजिएगा सही चीज हो जो बोल दीजिएगा। हम बोलते हैं अगर दबाव की बात होती तो स्वयं वो सत्ता पक्ष के विधायक है, जनप्रतिनिधि है, बोल सकते थे, लगता है कि नहीं बोलेंगे, अदरवाइज न ले लें, तो कहीं दबाव पुलिस पर आज के डेट में नहीं है, मैं दावे के साथ, और जो आरोप आप लगा रहे हैं मैं उसको खारिज करता हूँ। बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो 24 घंटा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या आप पाते हैं कि 3 बार से आप लगातार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लगता है कि मृत्युंजय सिंह उनके साथ न्याय कर रहे हैं, उनकी आवाज को उठा रहे हैं, कहीं उनकी आवाज को दबने नहीं दे रहे हैं? मैं अपने तमाम सदस्यों की आवाज को जब से बना हूँ उठाते रहा हूँ, कई चीजों पर उनकी सफलताएं मिलती है, कई चीजें पर नहीं मिल पाती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आवाज को उठाना, उनकी समस्या को पुलिस मुख्यालय सरकार के पास पहुंचाना, मैं पहुंचाते रहता हूं, मैं पहुंचाते रहूंगा, और आवाज उठाने से ही जब पुलिस मुख्यालय सरकार के संज्ञान में जाता है बातों को, तो निश्चित तौर पर जो उचित चीज है, जो मांगे होती है, उसका समाधान भी होता है, लाभ भी मिलता है। इसके पीछे कभी हम ना दबे हैं ना दबेंगे, संघ के अपना अध्यक्ष उस कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आखिरी सवाल आपसे कि नीतीश जी का जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, बिहार अपराध मुक्त हुआ, लोग काफी शांतिपूर्वक बिहार में रह रहे थे, ये जो तीसरा कार्यकाल है, क्या पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, या सत्ता का, जैसे कि आप कह रहे हैं सत्ता का दबाव नहीं है, तो क्या सत्ता भी चाहती है कि लोग मरे? सत्ता का कोई दबाव नहीं है, पुलिस वाले डरते नहीं है, या पुलिस कर्मियों को कोई ऐसी घुट्टी पिला दी गई थी कि अब बिहार से अपराध जो मुक्त हो चुका था, पुनः बिहार जंगल राज की तरफ लौट रहा है, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? मैं आज भी कह सकता हूँ बिहार में कि बिहार एक अपवाद ऐसा है, अपवाद में ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर कि केवल अपराध हो रहा है, अपराध तो देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, निश्चित तौर पर अपराध कभी काल किसी महीना में घटनाएं ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो इसके लिए पुलिस को कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा, पुलिस को कैसे अपराधियों के पास पहुंचना है, कौन कौन से गैंग है, उसके गैंग में कौन कौन सदस्य है, वो ठीक है, आप पुलिस कर्मी हैं, मेरा ये सवाल है आपसे कि जब से शराबबंदी हुई है, लोग मानते हैं कि पुलिस कर्मियों का जो ड्यूटी है शराब पकड़ना सबसे अहम है, जो ट्रैफिक जांच हो रहा है उसमें लोगों को पकड़ना सबसे अहम है, लेकिन अपराधियों के प्रति वो संवेदनशीलता न सरकार की नजर आती है न पुलिस कर्मियों की नजर आती है। पुलिस कर्मियों का कर्तव्य है कि सरकार के जो भी अगर निर्देश होता है उसका अनुपालन करना, कानून में जो भी गलत है कानून के लिए रोकना,
शराबबंदी है, शराबबंदी को सफल बनाना पुलिस का कर्तव्य है, अपराध नियंत्रण भी उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस विमुख होगी या शराबबंदी में, पुलिस का सारा काम दायित्व का निर्वहन है, सभी अपने दायित्व का निर्वहन करती है। किसी पार्टिकुलर की हमारे ये काम नहीं है, हमारा वो काम नहीं है, हमारी वो प्राथमिकता छूट जाए, जो भी पुलिस थाने में मामले आते हैं सभी को उसका काम है कि उसको काम को देखे, अपराध को रोके, गलत को रोके, ये पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। यह है मृत्युंजय कुमार सिंह और ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है कहीं से दबने वाली नहीं है, और जो उनकी समस्याएं हैं अध्यक्ष होने के नाते, इनका कहना है कि जो बिहार में जो सरकार है कहीं से पुलिस के ऊपर दबाव नहीं है, सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पहले से काफी बेहतर व्यवस्था भी की है। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एक नया स्वरूप भी इनके अनुसार देखने को मिल सकता है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी YouTube चैनल पे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।